हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो आपको मालूम है यार, ये जो फ़ोन ब्रांड्स हैं वो हमारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और हमें जो है एड्स वगैरह दिखाते रहते हैं। तो ये कोई एक कंपनी तो करती नहीं, सारी कंपनीज ही करती हैं, ऐसा सुना है कई बार हमने और देखा भी है यार। अगर आप कुछ सर्च करते हैं, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं कुछ, और उसके बाद आपको जो उसी प्रोडक्ट की रिलेटेड जो एड्स आने लग जाती हैं, तो ऐसा ही चलता रहता है। चाइनीज़ फ़ोन मेकर्स डेटा कलेक्शन रेज कंसर्न सेंटर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है मेरे को देखने को मिला, बट इसकी शुरुआत कहां से हुई तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये जो है एक ऋषि है, इन्होंने यहां पर जो है वो ट्विटर पे पोस्ट डाला। यहां पर इन्होंने बताया कि रियलमी के डिवाइसेस में एक ऐसा फीचर है, ऐसी एक सिस्टम सर्विसेज हैं जिसे बोलते हैं इनहैंस इंटेलिजेंट सर्विस। तो ये जो फीचर है, इसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑन होता है और ये आपके फ़ोन की जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, SMS एंड ऑल द जितनी भी लोकेशन सर्विसेज, सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करता है। तो उसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कमेंट किए कि भाई ये जो है वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम सबको पता है जो BBK है, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी एंड ऑल दैट, जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये जो है आपने देखा होगा, नीचे देखेंगे तो किसी ने बोला मेरे वन प्लस में भी है, किसी ने बोला मेरे यार ओप्पो में भी है, कोई कईयों ने तो शोमी तक का भी नाम लिया, ऐसा फीचर जो है उनके डिवाइस में भी है। तो ऐसा है, तो ये जो है वो डेटा जो है कलेक्ट करते रहते हैं और हमें बताते हैं कि ये आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसे अच्छा करेगा नोल्डा। बट यहाँ पर जो है वो ये जो कंसर्न है रेज हुआ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राजीव चंद्रशेखर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है ऑर्डर किया है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया, विल हैव दिस टेस्टेड एंड चेक्ड। तो इन्होंने बोला कि ये फीचर मैंने अब देख लिया है, तो हम जो है इसे चेक करेंगे और देखेंगे कि ये डेटा जो है वो कहाँ पर जा रहा है और ये क्या इस डेटा से कर रहे हैं। इंडिया में रहता है तो ये तो अब इनको ही पता है ये क्या करने वाले हैं, बट यहाँ पर ये जो है वो क्वेश्चन रेज हुआ है। बट यहाँ पर जो है रियलमी ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी है कि ये जो है वो डेटा का क्या करते हैं। सेंटर तो चलिए गवर्नमेंट तो जो देखेगी देखेगी, बट जो रियलमी ने यहाँ पर जो है वो बोल दिया है, वो फोन मेकर सेड इन स्टेटमेंट द फोन मैनुफैक्चर सेड द अटैच ग्रेट इंपोर्टेंस, जो प्राइवेसी का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, रियलमी अटैच विद द ग्रेट ब्ला ब्ला दिस द ऑल द, पर जो इन्होंने लिखा है ऑल डेटा प्रोसेस इन दिस सर्विस इज इनक्रिप्टेड एंड स्टोर्ड इनक्रिप्टेड हार्डवेयर विद इन द यूज़र डिवाइस स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद एंड्रॉयड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, दिस इज अ डेटा इज कम्प्लीटली स्टोर्ड विद इन द डिवाइस एंड इज नॉट शेयर्ड एनीवेयर एल्स और अपलोडेड ऑन द क्लाउड वी प्लेस व्हाटएवर। तो इन्होंने बोला है कि ये जो फीचर है, अगर आप इसे ऑन भी रखते हैं, ये इंटेलिजेंस वाला, इनहैंस इंटेलिजेंस सर्विस वाला, तो ये जो जितना भी डेटा कलेक्ट करता है ये आपके डिवाइस में ही रहता है। एंड्रॉयड की कोई पॉलिसी है तो प्राइवेसी की, ये जो है डेटा आपके फ़ोन में ही रहता है और कहीं हम जो है अपलोड नहीं करते, कहीं चाइना नहीं भेजते, कहीं इंडिया नहीं भेजते, बस ये फ़ोन में ही रहता है और ये जो है वो एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए है। तो रियलमी ने ये बोल दिया है, बट कंपनीज तो काफ़ी कुछ बोलती हैं। तो चलिए आगे जाके देखेंगे क्या होता है। तो गाइज, अगर आपके डिवाइस में ये फीचर, अगर आपके पास रियलमी का, ओप्पो का या वन प्लस का कोई डिवाइस है, तो आप यहाँ पर जो है आप अपनी सेटिंग्स को खोलिए, बिल्कुल नीचे आएंगे आपको जो है वो एडिशनल सेटिंग्स मिलेंगी और उसमें जो है आपको ये फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो वो होगा यहाँ पर सिस्टम सर्विसेज, तो ये जो है डिफ़ॉल्ट में ऑन होता है इनहैंस इंटेलिजेंस सर्विस, तो आप जो है इसे ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे आपको गेट रिकमेंडेशन भी मिलेगा, तो आप इसे भी ऑफ कर दीजिए। तो ये दो चीज़ें हैं, इन्हें ऑफ हमेशा ही करके रखिए। तो शोमी के डिवाइसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर जो है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, उसके बाद प्राइवेसी होगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर मिलेगा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो आपने इसे भी ऑफ कर देना है। और यहाँ पर यूसेज एंड डायग्नोज होगा, ये भी अगर ऑन है तो आपने इसे भी ऑफ कर देना है। तो ऐसे जो अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। तो अच्छी बात है गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप तो लिया, अब क्या करेंगे ये तो बस उन्हें ही पता है। तो मेरा एक काम था आपको बताना कि आप इस सिस्टम सर्विसेज को ऑफ करके रखिए अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।